तो आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का। तो चैप्टर 6 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक पार्ट वाइज में वीडियो आने वाली है, क्योंकि अब मैं एक पूरी वीडियो में एक चैप्टर को तो कंप्लीट नहीं कर सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं टाइम मेरा वेस्ट करे हुए। तो सबसे पहले ना आपको यार समझना पड़ेगा कि ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल बेटा जो 3 साइड से घिरी हुई शेप होती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल कहते हैं। ट्राइंगल हो गया जिसकी 3 साइड होती है, नाम से पता चल रहा है ट्राई, ट्राई बोले तो तीन, एक पॉलीगन जो 3 शेप से घिरा हो वो ट्राइंगल होता है। अब इस चैप्टर को जब हम पढ़ने स्टार्ट करने वाले पढ़ने वाले हैं, तो इससे पहले हमें ना समझना पड़ेगा कि ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं। तो काफी सारे होते हैं, बट रैंडमली अगर हम देखें तो कुछ गिने चुने ट्राइंगल जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, इनकी 3ों साइडें बराबर, तो इसे कहेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इसकी 2 साइडें बराबर होती हैं तो इसे बोलते हैं आइसोसेलस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट ट्राइंगल, तीनों की खासियत क्या है बेटा, इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके 3ों साइडें बराबर होती हैं, प्लस में तीनों एंगल भी बराबर होते हैं आपस में। अब तीनों एंगल बराबर होते हैं, ट्राइंगल के तीनों एंगलों का टोटल बेटा कितना होता है, 180 होता है भैया। ये चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए कि ट्राइंगल के तीनों एंगलों का टोटल कितना होता है, 180। इन तीनों को प्लस करा तो कितना आ गया, 360, सॉरी 3 3x, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया बेटा, अब इस 3 से इसको डिवाइड करोगे तो एक्स बराबर कितना आएगा, 60। इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विलेटरल के सारे एंगलों को टोटल, सारे एंगल कितने डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री के होते हैं। फिर आपका आता एसोसेलेस ट्रायंगल, एसोसेलेस ट्रायंगल होता है बेटा जिसकी 2 साइडें बराबर होती हैं और 2 ही एंगल बराबर होते हैं, 2 एंगल बराबर होते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल क्या होता है बेटा, जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, इन दो चीजों में डिफरेंस करना है बेटा। कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा हो टॉपिक, तो हमने कॉन्ग्रेंट पढ़ा हुआ था। कॉन्ग्रेंट का साइन ये होता है, कॉन्ग्रेंट बेटा होता क्या था, थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं। कॉन्ग्रेंट क्या होता है कि दो चीजें बिल्कुल सेम साइज में, सेम शेप में, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई में कोई डिफरेंस नहीं होता, बिल्कुल सेम टू सेम होती है। जैसे कि मैं बात करूं कि आईफोन 11 अगर सब किसी के पास है, तो आईफोन 11 किसी का भी शेप अलग नहीं होगा, सबके सेम होंगे। तो आईफोन 11 जितने भी होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रेंट होंगे। या बोल सकते हो कि जैसे माचिस की डिब्बी, माचिस की डिब्बी एक ही कंपनी की है तो सबकी सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी। ये मार्कर है, अगर इस टाइप के मैं कितने मार्कर लिया हूँ इसके जैसे, तो उसके लंबाई जोड़ा हाइट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा, बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि मान के चलो कि एक मैंने बनाया 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जिसकी चारों साइड चार चार सेंटीमीटर की होती है, मैं कितने भी स्क्वायर बना लूं चार चार सेंटीमीटर वाले सारे क्या होंगे, आपस में कॉन्ग्रेंट होंगे। तो कॉन्ग्रेंट की बेटा खासियत क्या होती है कि सारे एंगल एंगल इक्वल होते हैं, एंगल आर इक्वल एंड साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। ये सिमिलर क्या होता है, सिमिलर का साइन बेटा ये होता है, जो कि अब आपके चैप्टर में ऐड हो रहा है। सिमिलर बेटा क्या होता है, सिमिलर थोड़ा सा इससे अलग है कॉन्ग्रेंट से। सिमिलर का मतलब क्या होता है कि चीज देखने में एक जैसी है, बट साइज दे में भी डिफरेंट, उनका साइज अलग अलग हो सकता है। इसका मतलब क्या है भैया, जैसे कि सर्कल क्या हो आप कितना छोटा कितना बड़ा बना लो, देखने में बेटा क्या है, सारे के सारे एक जैसे हैं, तो इट मीन्स दे आर सिमिलर। या फिर मैंने मान के चलो कि एक इक्विलेटर ट्राइंगल बनाया, इसकी सारी साइड इक्वल होती है, फिर एक और बना दिया, ये दोनों सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि देखने में एक जैसे हैं, प्लस इनकी लेंथ जो है, सॉरी इनके जो एंगल जो होते हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। या मैं एक दूसरा ट्राइंगल मान के चलता हूं कि जिसके ये 40 है तो ये भी 40 है, ये 60 है तो ये भी 60 है, और ये 80 है तो ये भी 80 है। बट अगर मैं इसको बड़ा बना दूं तो भी इक्विलेटर लेगा, ये 40 है, ये 60 है,
यस सी है, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है बट ये सिमिलर है। सिमिलर क्यों है, क्योंकि ये देखने में एक जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। तो बेटा सिमिलर की अब दो चीजें होती हैं इसके अंदर। पहली बात तो इनके अंदर एंगल शुड बी इक्वल, एंगल हमेशा क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दूसरी बात इसके अंदर जो साइड्स होती है बेटा, साइड शुड बी सेम इन प्रोपोर्शनल, अनुपात में सेम होने चाहिए। अनुपात में सेम होने का मतलब क्या भैया, एंगल शुड बी इक्वल, तो समझ गए आप कि एंगल सेम होने चाहिए। अब प्रोपोर्शनल का मतलब ये है बेटा कि मान के चलो ये टू थी, ये फोर थी, ये टू, ये फोर, ये टू, ये फोर, बेटा काट दो इसको, कितना आएगा, वन अपॉइंट टू इक्वल टू वन अपॉइंट टू इक्वल टू वन अपॉइंट टू, यानी कि इनके सारे के प्रोपोर्शन इक्वल है। मान के चलो कि ये दो है, ये तीन है, ये चार है। उसके बाद क्या करते हैं, हम इसको तीन गुणा बढ़ा देते हैं, ये तीन गुणा बढ़ा तो छः, ये नौ और ये 12। अब मैं क्या करूंगा, अपॉन में रखूंगा टू अपॉन सिक्स, थ्री अपॉन नाइन, फोर अपॉन ट्वेल्व। टू अपॉन सिक्स ये अपॉन में, ये थ्री अपॉन में नाइन, और फोर अपॉन में ट्वेल्व। तो टू थ्री जा सिक्स, थ्री थ्री जा नाइन, और फोर थ्री जा ट्वेल्व। प्रोपोर्शन इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये आपस में क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो सीधी सी बात है, सिमिलर क्या होता है कि एंगल इक्वल होने चाहिए एंड साइड शुड बी सेम इन प्रोपोर्शनल, अनुपात इनका इक्वल होना चाहिए। एक छोटी सी चीज और है इसके अंदर बेटा, कि कॉन्ग्रेंट, हर कॉन्ग्रेंट चीज सिमिलर होती है, क्योंकि भाई ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है तो ये सिमिलर भी देखने में कैसे है, बट हर सिमिलर चीज कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकती, क्योंकि उनके जो साइज हैं वो अलग अलग होते हैं। जबकि कॉन्क्रीट के अंदर क्या होता है, साइज भी सेम होता है। तो ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये बताओ, या फिर एसेशन और डिजन में भी क्वेश्चन आ सकता है कि एवरी कॉन्क्रीट कैन बी सिमिलर, यस, बट एवरी सिमिलर कैन नॉट बी कॉन्क्रीट। अब हम इसके चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। तो 6.1 में कुछ आपके फिलिंदा ब्लैंक्स हैं, तो फिलिंदा ब्लैंक्स अब हम जानते हैं कि यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो यार कोई बातचीत बनती नहीं है। एमजीक्यू में आने लगे हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स वैसे भी आने लगे हैं, तो हम इनको पढ़ लेते हैं यार। हम सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, बड़े इजी है। पहला क्वेश्चन है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रेंट और सिमिलर, ये पूछ रहा है कि जो सर्कल्स होते हैं, सारे सर्कल्स जो होते हैं वो कॉन्ग्रेंट होते हैं या सिमिलर होते हैं। तो हमने ये पढ़ा बेटा अभी कि ये जितने भी सर्कल है, क्या आपस में कॉन्ग्रेंट हो सकते हैं क्या बेटा, कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते क्योंकि इनका साइज बराबर नहीं है, पर देखने में सिमिलर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। रीजन समझ गए बेटा। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ऑल स्क्वायर आर, स्क्वायर मैंने आपको क्या बताया कि जिनकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो ये भी पूछ रहा है कि ये सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। अब इसने सारे स्क्वायर बोले, अब ये तो है नहीं कि स्क्वायर सब साइज में सेम होते हैं। एक स्क्वायर ये है, एक स्क्वायर ये है, इसकी साइड दो दो दो, इसकी साइड एट एट एट, तो बेटा ये क्या कॉन्ग्रेंट है क्या, कॉन्ग्रेंट तो नहीं है क्योंकि इनकी साइड्स बराबर नहीं है, इक्वल अलग अलग है, सिमिलर जरूर है, तो इट इज ऑल्सो सिमिलर। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सारे ट्राइंगल्स आर सिमिलर, आइसोसेलेस या इक्विलेटरल। आइसोसेलेस ट्राइंगल बेटा ये रहा, इक्विलेटरल बेटा ये रहा। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल जो है सिमिलर होंगे या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल सिमिलर होंगे। देखो हमने अभी पढ़ा था कि यार एंगल ना सेम होने चाहिए, एंगल शुड बी सेम। आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल चेंज हो जाएंगे, इस वजह से क्या होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है सारे के सारे आपके सिमिलर हो सकते हैं, क्योंकि आप कोई सा भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लो, आप अगर ये 60 है तो ये भी 60 रहेगा, आप छोटा बना लो 60 ही रहेंगे सारे के सारे एंगल, तो उसके एंगल हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। इस वजह से क्या होगा कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। उसके बाद बोल रहा है फोर्थ, बोल रहा है तो थर्ड का क्या हो गया, आइसोसेलेस, सॉरी इक्विलेटरल। फोर्थ बोला टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, कि दो पॉलीगन है, सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर, अब उनके जो नंबर से साइड्स हैं, मान के चलो ट्रायंगल ले लिया मैंने, बोला कि उनकी जो साइड्स इक्वल है, इसमें भी तीन है, इसमें भी तीन है, अगर सिमिलर कब होंगी, इफ देयर कोरिस्पेंडिंग एंगल्स आर। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई अगर सिमिलर कोई चीज है तो उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एंगल्स क्या होने चाहिए, एंगल्स होने चाहिए इक्वल। पहले वाले ऑप्शन में बेटा पूछा है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होने चाहिए, जो एंगल्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए,
और कोरस्पोंडिंग साइड्स, साइड्स कैसी होनी चाहिए बेटा? प्रोपोर्शनल। तो साइड्स क्या होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। हमने पढ़ा भी क्योंकि सिमिलर हमसे बोल रहा है। अगर मान के चलो गलती से हमसे बोल देता कि टू पॉलीगन ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर कॉन्ग्रेंट, अगर कॉन्ग्रेंट बोल देता तो एंगल भी इक्वल होते और साइड्स भी इक्वल आती। पर हमसे इसने बोला भाई सिमिलर, तो सिमिलर की तो भाई हमें पढ़ाई की दो इक्वालिटी होती है कि एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड शुड बी इन सेम प्रोपोर्शनल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर फिगर। तो बेटा सिमिलर फिगर में तो हमने पढ़ा, सिमिलर फिगर में आप दो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, दो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो, सारे के सारे एंगल क्या होंगे आपके? बराबर हो गए। ये तो हो गया आपका इक्विलेटरल में। फिर बोल रहा है नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर में आप ले सकते हो आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर एंगल क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं, इसके दोनों साइड इक्वल तो हैं। इसमें ये 40-40 का है, ये जो भी हो ये हमने ले लिया अलग एंगल, ये 80, ये 80, तो ये हमारे सिमिलर नहीं होंगे। थर्ड लास्ट वाला है बेटा, स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। इसके अंदर हमें, इसने हमें एक डायग्राम बना के दे रखा है। इसके अंदर ये इसने क्या कर रखा है, पी क्यू आर एस के अंदर 1.5 1.5, हम जल्दी से इसे डायग्राम को बना भी लेते हैं। एक स्टेप से बना रखा है पी क्यू आर एस, ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5, ये 1.5। अगले वाला हमें क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा है बेटा, सबकी साइड सेम है, नाम है ए बी सी डी। बताओ बेटा ये क्या सिमिलर होंगे? क्या सिमिलर नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे आप बहुत अच्छे से जानते हो, क्योंकि इनके एंगल चेंज है, इनके तो सारी साइडें बराबर हैं, कोई बात नहीं साइड देखी जाती। पहली बात तो ये होना चाहिए कि इनके एंगल आपस में बराबर होने चाहिए, और कॉमन सी बात है सिमिलर देखने में जैसे होते हैं, यानी तो साफ साफ पता चल रहा है कि आपस में सिमिलर है ही नहीं। तो अभी हमारी 6.1 खत्म हो चुकी है, अब हम 6.2 करेंगे।